नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दान वो चेतना और भाव से संबंधित कंसेप्ट है। शरीर और मन से जब कोई ऊपर उठता है या तो ऊपर की बात होती है तभी वो दान कहलाती है। साधारण रूप से हम देखते हैं कि जो देने की क्रिया होती है वो केवल एक शरीर और मन के स्तर पर होती है, लेकिन जब वही देने की क्रिया में एक विशेष भाव और एक विशेष चेतना का स्तर आ जाता है तब उसको दान कहा जाता है। तब वस्तु गौण हो जाती है, क्या दे रहे हैं वो गौण हो जाता है, लेकिन भाव और चेतना क्या है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब वस्तु का ही मुख्यता वस्तु की होती है, कुछ और उसमें प्रयोजन होता है, तब शरीर और मन के स्तर के होने के कारण वो देने की क्रिया मात्र होती है, उसको दान नहीं कहा जाता है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि दान क्या है। तो उन्होंने बताया है कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दातव्यम इति यद्दानम देने की भावना से ही करते हैं। अब देने का भाव कब आता है, जब ये घटित होता है कि मैंने जो भी कुछ पाया है उसमें मेरा पुरुषार्थ प्लस ईश्वर की कृपा समाज का भी सहयोग है। ये जब बात मन में बैठती है, ये जब मैच्योरिटी आती है, तभी व्यक्ति में ये दातव्यम इति यद्दानम ये भाव आ सकता है। व्यक्ति यदि सोचता है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर वो कह रहा है कि सब कुछ पाया, लेकिन उतना पुरुषार्थ काफी नहीं है। गीता में भी बताया है कि 5 प्रकार के कारण जब एकत्रित होते हैं तभी कोई कार्य हो पाता है। ये हमने भगवद गीता के श्लोक में देखा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। तो ये पूरा का पूरा 5 जो रोल में आते हैं, कोई भी कारण तभी कार्य होता है। उसी तरह से हमने जो सफलता पाई है, हमारी जो स्थिति बनी है, हमारा जो जीवन चल रहा है, वो मैं नहीं चला रहा हूं, उसके पीछे कोई शक्ति है वो चला रही है, पहला तो वो, और समाज का भी और सृष्टि का भी उसमें सहयोग है, तभी हम टिक पाते हैं। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, हम जीवन अन्न से चलाते हैं, फलों से चलाते हैं, तो हमारा जीवन किसी की मृत्यु पर घटित है। कोई अपना जीवन दे देता है तब हम जीवन पाते हैं, तब हम जीवन टिका पाते हैं। ये यदि हम सोचते हैं तो हम जीवन तो न दे लेकिन इस जीवन में से हम कुछ दे सके, ये जब भाव आता है तब होता है दातव्यम यानी कि देने का भाव। अब दातव्यम यानी कि मैंने बहुत कुछ पाया है उसके बदले में मैं कुछ दे रहा हूं, तो आगे का पूरा हो जाता है। फिर हम आगे क्या मिले वो भावना ही चली जाती है। यहाँ पर गीताकार ने जो यहाँ पर बताया है वो साइकोलॉजिकली है कि आप जब कुछ देते हैं और उससे शुरुआत मानते हैं तब आपको आगे की अपेक्षा रहती है कि मैंने ये दिया है अब मुझे कुछ मिलना चाहिए, तब आदान और प्रदान पूर्ण होगा। लेकिन ये यदि हम भाव करते हैं कि मुझे कुछ मिला है, मुझे इतना सारा मिला है, उसमें से कुछ मुझे करना है, देना है, जब ये भाव आता है तब आगे की चेन नहीं होती है। यानी जो निरपेक्षता कहते हैं, अपेक्षा रहितता कहते हैं, वो यहां पर घटित होती है। यानी कि वो चेन में पहला पड़ाव होता है मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ प्राप्त किया है। तो ये दूसरी बात आती है दातव्यम इति, पहले है प्राप्तव्य, प्राप्तम प्राप्त किया है मैंने कुछ पाया है, ये जब आ गया तब होता है दातव्यम यानी कि कुछ मुझे देना चाहिए। ये भाव आता है तो वो देने से क्या मिलेगा वो भाव चला जाता है, देने से उपकार की बुद्धि चली जाती है कि वो भी मुझे कुछ दे, वो भी मेरे प्रति उपकार करे, ये बुद्धि चली जाती है। कब चली जाती है, जब पहले अंदर में ये भाव होता है कि मैंने प्राप्त किया है कुछ, और वो सही मायने में 100% सत्य बात है कि हमने बहुत कुछ पाया है। इसमें से यदि हम वो चेन को टिकाने के लिए कुछ देंगे तो बहुत सारे जीवों को बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए पहला बताया दातव्यम इति यद्दानम, फिर क्या कहा दियते अनुपकारिणे, उपकार के भाव से रहित करता है, क्योंकि शुरुआत कहां से की है, मैंने प्राप्त किया है। चेन कहां पूरी होगी, देने से पूरी होगी। तो देने के बाद कोई उपकार करे ऐसा उसमें बुद्धि नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा भी नहीं होगी कि कोई मेरे पर उपकार करे। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन अभी कह रहे हैं गीताकार यहां पर, वो हर एक व्यक्ति को अंडरलाइन करने जैसी है। उसमें बताया गया है देशे काले च पात्रे च, योग्य देशो, आपको
यदि कंबल बांटने हैं तो कश्मीर में, गुजरात, राजस्थान में बांटे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि कंबल बांटने हैं तो कौन सा देश उत्तम है जहां ठंड है वहां पर। अब गर्मी है अरब देशों में इतनी इतनी, वहां कंबल आप बांटेंगे उसका क्या लाभ होगा, उसका क्या उपयोग होगा। सेम वही बात है कि आपको कुछ भी वस्तुएं करनी है तो उसके लिए योग्य देश होना चाहिए। आपको कुछ देने, दाने देने हैं तो एक भूखे को भी दे सकते, किसान को भी दे सकते। भूखे को देंगे वो अपना पेट वर्तमान में भर लेगा, अच्छी बात है। किसान को देंगे वो बीज अनुकूल, तो वो बीज से वो हजारों गुना करके हजारों लोगों का भोजन कराएगा। आप देखिए उसमें से दोनों में से कौन योग्य है। आपको बीज के दाने देने ही है तो भूखा व्यक्ति तुरंत खा लेगा, अच्छा काम है। किसान को देंगे हजारों तक पहुंच जाएगा वो। तो उसी तरह से योग्य कौन देश कौन सा है वो देखना है। किसान जैसे योग्य देश देखकर बोता है, उसी तरह से काल कौन सा योग्य है। आप काल नहीं है और वो देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब समुद्र में पूरा भर जाता है या तो नदियां पूरी भर जाती, तब कोई पानी देने निकलता है, तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जब गर्मी होती है, जब पानी मिल नहीं रहा होता है, वो काल ऐसा होता है जब पानी की वास्तविक जरूरत होती है। उस टाइम पर कोई पानी दे तो वो पानी की कीमत अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। योग्य काल पर, जैसे आपका कुछ काल ऐसा हो तब कोई आपको मदद करे, आप जीवन भर उसको याद रखेंगे, इसके लिए योग्य काल पर दान करना चाहिए। काल कौन सा योग्य है वो हम आगे देखेंगे। ऐसे पूरे जीवन में ऐसे काल बहुत आते हैं, लेकिन कोई कोई परिस्थिति ऐसी आती है जब विशेषता से हमारी कोई जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो काल की बात बताई। अब अंतिम है वो पात्र है। पात्र की बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे, अभी थोड़ी कर लेते हैं। पात्र कौन सा है। किसान जब कोई जो गाय को पालता है, गाय को मानता है, गाय को दोहता है, तो वो गाय को जब दोहन क्रिया करता है, दोहता है, तब ये ध्यान अवश्य रखता है कि वो दूध पात्र में जाए। दूध 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 15 लीटर हो, वो तभी सार्थक होता है जब पात्र हो। पात्र नहीं है तब कितना भी दूध गाय दे देगी वो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि नीचे पात्र नहीं है, वो दूध का कोई मतलब नहीं रहेगा। सेम ये बात आज याद रखने जैसी है कि बताया गया है ऐसा कि आप कोई भी व्यक्ति को पात्र को दो, अपात्र को न दो। तो इसके लिए जैसे दूध में पात्र की महत्ता है, क्योंकि दूध की सार्थकता ही तब होती है जब उसके पास कोई पात्र होता है। कोई कहे कि ये मेरी गाय 15, 20, 50 लीटर दूध देती है, आप जाओ वहां पर, पात्र नहीं है। अब वो 50 लीटर का क्या अर्थ रहेगा जब आपके पास लेने जैसी चीज पात्र ही नहीं है। तब जिसमें वो क्रिया घटित होगी, जो इसको संभाल सकता है, ऐसा पात्र नहीं है, तो वो गाय का दोहने का, वो मेहनत करने का कोई भी अर्थ नहीं रह पाता है। वो सारी चीजें तभी सार्थक होगी जब योग्य पात्र होगा। सेम बात यहां पर दान पे है। दान की ये सारी बातें जब तब सार्थक होगी जहां पर दान किया जाता है वो पात्र उत्तम होगा। पात्र की पसंदगी, यानी कि कौन उत्तम पात्र है, उसके लिए शास्त्रकारों ने बहुत अच्छा बताया है कि एक एक वस्तु आप पात्र में दो तो अनंत गुना फल मिलता है, और सामान्य को दो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो कौन पात्र है उसकी चर्चा हम इसी सीरीज में आगे करेंगे। नमस्कार।